अ गर्ल, मुझे अच्छे से मालूम है कि गर्ल्स को कितने रुकावटें हैं एजुकेशन की फील्ड में जाने की वजह से। क्या क्या मुश्किल आज फेस कर सकती हैं, हमें बच्चों के साथ वही बात करें थे, चैलेंजेस क्या हैं आपके? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गिव दिस ऑल दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर DSF टीम फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। हमारा दीनदार तबका है, एक डॉक्टर बने तो वो भी दीनदार बने, एक लायर बने वो भी दीनदार बने, एक कोई ऑफिसर बने तो वो भी दीनदार बने। इजी फॉर बॉयज़ टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट यस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस। मैं SLC कंप्लीट हुआ तो मैं SLC में 97.12% से अल्लाह ताला ने मुझे पास किया। दीनियत सुफा फाउंडेशन को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ दीनियात सिफा फाउंडेशन की तरफ से सिलगट्टे में एक प्रोग्राम रखा गया था जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स की इज़्ज़त अफज़ाई की गई और कई सारे स्टूडेंट्स को हौसला दिया गया कि आगे चलकर वो किस तरह से पढ़ाई करें और पढ़ाई में किस तरीके से आगे बढ़ें। दीनियात सिफा फाउंडेशन कई सालों से इसी मेहनत में लगी है कि अपने कौम के बच्चे आगे बढ़ चढ़कर जो आने वाले खिदमात हैं उसको अंजाम सही तरीके से दे सके। तो चलिए जानते हैं इसी की एक खास रिपोर्ट। बेटे के प्रोग्राम में किस तरह का रिस्पांस रहा और कितने बच्चे जमे थे आज के प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, आज सिद्धलगट्टे में यहाँ के नौजवाना और बुजुर्ग एक माशाल्लाह बहुत ही आलिशान प्रोग्राम आज कर को हैं। ये लास्ट ईयर भी ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ पर सिद्धलगट्टे में हुआ था। पिछले 5-6 साल से सिद्धलगट्टे के साथ यहाँ लगभग लास्ट 20-25 साल से बहुत मेहनत हो रही थी दीनी तालीम के ऊपर। एक 5 साल से दुनियाई तालीम के ऊपर भी जो मेहनत हो रही थी उसका नतीजा आज कम से कम सिद्धलगट्टे के अंदर मोर देन 50 लड़के और लड़कियाँ एबो 95% के आज यहाँ अचीवर्स मिले हमने। लेकिन एक लड़का 100% भी लिया और 99% के 10-12 लड़कियाँ और लड़के थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये रिज़ल्ट आज आना बोले तो ये मेहनत आज की नहीं है, एक साल पहले यहाँ के जो जिम्मेदार की जो मेहनत थी वो मेहनत, उनकी काउंसलिंग, उनका फोकस, उनका गोल सेटिंग, उनका प्लानिंग, उसका आज रिज़ल्ट आको है। सो तो उसके लिए यहाँ के बहुत सारे जिम्मेदार की बहुत मेहनत है। ख़ासतौर पर सिद्धलगट्टे में नौजवानों की जितनी मेहनत है बुज़ुर्गों की भी उतनी मेहनत है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस जो है उसका रिजल्ट आज हमने देखने में मिला। तो इंशाल्लाह ऐसी एक उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर सिद्धलगट्टे के अंदर से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS ऑफिसर्स निकलते बल्कि उम्मीद है। तो उसके लिए यहाँ के जिम्मेदारों से और आप थोड़ा बातचीत कीजिए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। का साथ रहा है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं। आज के प्रोग्राम में हमने भी देखा कि स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी अपना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। तो आपके साथ किस तरह उनका? देखो भाई, क्या है एक्चुअली हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर बुजुर्ग है। वो बुजुर्ग का तजुर्बा हमें इस्तेमाल करना, तो पहले बुजुर्ग को बात करने की तमीज़ तजुर्ब नौजवानों के अंदर रहना है। अगर जो नौजवान प्यार मोहब्बत से, नौजवान जिम्मेदार प्यार मोहब्बत से बुजुर्गों के साथ मिलेंगे तो बुजुर्ग क्या है उनका जान माल इलम दोनों पूरा हमने देंगे उन्हों। तो उसके लिए यहाँ के जो बुजुर्ग हैं हमने माली हालत की भी सपोर्ट कर रहे हैं सिद्धलगट्टे के लिए, और इनका जो तजुर्बा है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों को टीचर्स को जाके बात करते हैं इन्हों। तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है, हर इंडिया के हर एक मोहल्ले में हमारे जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं ना इन्हों थोड़ा आके चल फिर के नौजवान साथ में ये काम करें तो इंशाल्लाह इनकी दुनिया भी, इनकी आखिरत भी बन जाचे, इनकी सेहत भी बन जाचे, और बच्चों को क्या होता है इनके रोल मॉडल होते, एक मेंटरशिप ले सकती। तो उसके लिए यहाँ के जो बुजुर्गों को मैं शुक्रगुजार हूँ, और ये बुजुर्गों को देखते हुए हर मोहल्ले के बुजुर्गों का साथ देना मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो ये दीनियात पोजीशन का एक पहले होस्कोटे वाले से, नूर भाई से, नूर खान से और मुजम्मिल भाई से मुलाकात की है। उसके बाद हमारे अंदर एक पैदा हुआ, हमारे बस्ती के अंदर दीनिया फाउंडेशन का एक ये जलसा कायम करे SLC PUC के बच्चों को, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आया। गए साल भी ये फंक्शन करे, ये साल भी करे, करने में इसके इंस्पेक्टर की नौकरी को 5 बच्चे यहाँ से नौकरी के वास्ते उसमें से ये हो कोई एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम दे कोई एक एक पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो ये हमें DSF का प्रोग्राम करी उनके अंदर एक जज्बात हुए। इनको कोई पूछने वाला नहीं था 1-2-3 साल के लिए, अब हमें इनको तकरीबन
इंशाल्लाह एक दो तीन महीने से कोशिश करके उनको इकट्ठा करें, आइंदा भी ये काम करेंगे। इससे हमें ये चाहते हैं कि हर घर में भी बच्चा पढ़ा लिखा हो, दुनिया का भी हो, दीन का भी हो, दो भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4-5 साल से जो है दीनियात सुफा फाउंडेशन से जुड़कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम लोग जो है पहले से दीनियात मकातिब का जो है इसमें मेहनत हो रही थी हमारी दीनी तालीम की, दीनी इसके बारे में। जब सुफा बाद में सुफा दीनियात सुफा फाउंडेशन से जुड़कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की जो है मेहनत इंशाल्लाह हो रही है। इंशाल्लाह इसके नतायज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे निकल रहे हैं। हमारा मकसद है कि बस हमारे दीनदार तबका जो है हर हमारे हुक्म हर तबके में हर इसमें जो है दीनी और दुनिया हर शोबे में जो है हमारा दीनदार तबका है। एक डॉक्टर बने तो वो भी दीनदार बने, एक लायर बने वो भी दीनदार बने, एक कोई ऑफिसर बने तो वो भी दीनदार बने। इस तरह हम जो है आज हमारी तालीमी हालत जो कमज़ोर होती जा रही है इसलिए दीन के साथ मकसद असल दीन है, दीन के साथ जो है हम दुनियावी तालीम में भी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो दुनियावी तालीम के शोबों में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है जी जी, क्या मकसद है सर, क्यों? अगर उनके अंदर दीन ही नहीं है तो उनके अंदर कौम की क्या खिदमत होगी और उनके अंदर कौम का जज्बा क्या पैदा होगा? वो बस अपना पैसे के लिए अपने इसके लिए मेहनत करेंगे। जब उनके अंदर दीन आ जाएगा तो सारे कौम के लिए वो एक रहबर बन सकते हैं। जी बताइए मैडम, यहाँ के जो बच्चों की हालत है पढ़ाई में किस तरह की हालत है? यहाँ पर गाँव होने की वजह से तो यहाँ की पढ़ाई की हालत किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन अहमदी, being a trainer here in DSF, I have been focusing on girl education. Me being a girl, मुझे अच्छे से मालूम है कि girls को कितने रुकावटें हैं education के field में जाने की वजह से। तो we have a lot of hurdles wherein it is easy for boys to complete their education and for girls it is a little difficult. It is not impossible but yes it is difficult for us. तो basically हमें यहाँ पर try कर रहे हैं कि girls को we push them towards education, we push them towards being independent, being within the sharia of Islam, inshallah. PUC और SSLC बचे ऑलमोस्ट 95 के ऊपर जो थे 30 बच्चे को लोग आज रिवॉर्ड करें और स्पॉन्सर भी करें, माशाल्लाह 3 बच्चे के लिए वो लोग कैश प्राइज भी दिए, बहुत अच्छा हुआ फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सिलगढ़ का एक मतलब एक थोड़ा गांव होने की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं आगे इतना पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ के लोगों का क्या नज़रिया है? यही था हमारी एक्चुअली DSS का मेन एम यही था कि बच्चों को एक ख्वाब दे सके, बच्चे क्या अचीव कर सकते, क्या क्या मुश्किलात आज फेस कर सकती, हमें बच्चे के साथ वही बात करे थे चैलेंजेस क्या है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल से तो एक फाइनेंशियल है और दूसरे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमें एड्रेस करी आज ये बात। इंशाल्लाह माओ रेडी हूँ बच्चों को हेल्प करने के वास्ते और बच्चे रेडी हूँ कि पढ़ने के वास्ते, ये दो रेडी रहा तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से बच्चे अचीव कर लेंगे, बिकॉज आई कैन सी द फायर इन देम, बच्चे के दिल में बहुत बड़ी फायर है और अचीव करने के लिए बहुत अरमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, माई नेम इज़ नूर अंजुम एंड DSF वॉलंटियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद द DSF टीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्टिंग हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, हेल्पिंग ऑल द सोशल ग्रुप्स स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड एंड ऑल्सो अवेयरनेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गिव दिस ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर DSF टीम फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू वर्क इन अपकमिंग प्रोग्राम्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम अफसाना तबस्सुम एंड देन मैं सिलगट्टे से हूँ। मैंने SSLC कम्प्लीट हुआ तो मैं SSLC में 97.12% से अल्लाह ताला ने मुझे पास किया। दीनियात सुफा फाउंडेशन की तरफ से हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है। मेरा नाम अर्जुमन खानम, मैं 12th में 99% लेके आई हूँ, मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिए हैं। दीनियात सुफा फाउंडेशन को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।